रूसी पर्वतारोही ने जारी युद्ध के विरोध में माउंट एवरेस्ट पर लहराया यूक्रेन का झंडा। ईरान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर भारत की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। भारत के सिवा कोई और देश हमें ईंधन के लिए धन नहीं दे रहा, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को सौंपी 12 हाई स्पीड नौकाएं। नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों के लिए भारत गौरव ट्रेन को आने की मिली अनुमति। इस्लामिक देशों को भड़काने वाले भारतीयों पर दर्ज हो राजद्रोह केस, सूचना आयुक्त महुरकर। देश में कुछ भी हुआ तो बीजेपी इसकी जिम्मेदार होगी, अलकायदा की धमकी पर संजय राउत। बनारस के मंदिर में बम विस्फोट की क्या मुस्लिम देशों ने की निंदा, सुब्रमण्यम स्वामी। भारतीय चुनाव आयोग ने किया देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव तारीख का ऐलान, 18 जुलाई को होगा चुनाव, 21 जुलाई को आएगा चुनाव परिणाम। 15 जुलाई तक जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम। आईएमएफ ने भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एपीडी का निदेशक नियुक्त किया। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दो दिन में महाराष्ट्र में छा जाएगा, जल्द मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, ड्रोन से की जा रही निगरानी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 जून तक बढ़ाई गई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत। दिल्ली में पुलिसकर्मी से मारपीट करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। बस ड्राइवर के बेटे को अगवा कर मांगे गए 50 लाख, कर्नाटक पुलिस ने 9 घंटे में बचाया। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन के गेट पर बैठे यात्री से ब्रज पर खड़े शख्स द्वारा फोन छीनने का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में कार और ट्रक की टक्कर से एक महिला समेत कुल 4 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश में चोरी के शक में दिल दहलाने वाली सजा, युवक को बांधकर मरते दम तक पीटा, आंखें फोड़ी, जुबान काट ली। झारखंड में गांव वालों ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को बुरी तरह पीटा, जिंदा जलाने के एक की मौत, दूसरा गंभीर। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में शिक्षिका रजनी बाला को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा गया मौन। मुंबई में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई दर्ज। क्षमा बिंदु ने खुद भर लिया अपनी मांग में सिंदूर, तय तारीख से 3 दिन पहले ही किया एकल विवाह। एक्ट्रेस नयनतारा व डायरेक्टर विघ्नेश शिवन ने की शादी, तस्वीर की शेयर।